हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया गर्मी आ गई है, हमें बताइए सबसे आसान तरीका क्या है शेक्स को बनाने का, स्मूदीज को बनाने का, मॉकटेल्स को बनाने का। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि KFC, मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अपने शेक्स को तुरंत बना लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में वो तरीका जिसमें आप 2 मिनट के अंदर अपने शेक्स को, मॉकटेल्स को तैयार कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ में। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, मैकडॉनल्ड्स, KFC जैसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स अगर इन इंग्रेडिएंट्स को, इन फ्लेवर्स को, इन सिरप्स को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक नंबर के सिरप होंगे। और इनसे बनाया हुआ शेक और इनसे बनाए हुए मॉकटेल आपके पास जो एक बार पीकर चला जाएगा वो लाइफ टाइम तक आपका कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन फ्लेवर है। मैं भी अपने बिजनेस में इन्हीं सिरप्स को यूज करता था, इन्हीं फ्लेवर्स को, इन्हीं मेथड्स को यूज करता था, इसीलिए अच्छी सेल देखने को मिलती है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनकी लोकेशन पे बहुत ज्यादा महंगे वो शेक्स को और मॉकटेल्स को नहीं सेल कर सकते। सो उनके लिए मैं आज आपको इनके सब्स्टिट्यूट भी बताने वाला हूं कि मॉर्निंग के अलावा आप कौन से सिरप्स को यूज कर सकते हैं, ये फ्रैपे पाउडर के अलावा आप कौन सा पाउडर यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो शेक है उसमें थिकनेस आएगी। देखो, अल्टीमेटली ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जहां पर मैं आपको सिर्फ एक कंपनी का नाम बताऊंगा और इसी के लिए आपको बोलूंगा इसको लेना है, नहीं। अल्टीमेटली मेरा मेन मोटिव होता है आपको मैं बिजनेस मॉडल समझा दूं, आपको किस तरीके से शुरू करना है ये समझा दूं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है ये समझा दूं, बाकी आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना है या किसी कंपनी के फ्लेवर आपको यूज करने, ये सब आपके ऊपर है। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये शेक्स आपके बनकर कितने में तैयार हो रहे हैं, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इतने का मैं अपने एरिया में बेच पाऊंगा या नहीं। अगर आप नहीं बेच पाओगे तब भी मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताने वाला हूं कि इनके अलावा कौन से इंग्रेडिएंट को यूज करके आपका जो शेक्स है ना 250 ml के आसपास का शेक आपका 26 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा। मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा, वो भी इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊंगा। तो 26 रुपए में अगर आप कोई शेक तैयार करते हैं और उसको अगर आप 60-70 कहीं कहीं जगह पर 100 का भी बिकता है तो आप सोच सकते हो कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो इन गर्मियों में। एक और चीज, अगर आप जूसेस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोरियन स्टाइल फ्रेश जूस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन दोनों पे मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुका हूं। इनफैक्ट गन्ने के जूस के बिजनेस में मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुका हूं। मेरे भाई का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया गर्मी आ गई है, जूस के बिजनेस में बताइए। तो जूस के बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने इनिशियल स्टेज से आपको बताया कि कार्ट में आपको कैसे करना है, शॉप में आपको कैसे करना है, एंड बड़े कैफे या रेस्टोरेंट में आपको कैसे करना है अपने जूसेस का बिजनेस। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, उसमें मैंने सारे इक्विपमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, मेकिंग सब कुछ बताइए एंड टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ में, वो कंप्लीट डिटेल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं शेक्स एंड मॉकटेल्स पे बेसिकली बात करने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले कैमरे को पास करके ये सारी चीजें दिखाता हूं, उसके बाद आपको बनाकर दिखाता हूं, और वीडियो के लास्ट में इन सारे शेक्स का, मॉकटेल्स की कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कितने की आपको पड़ने वाली है एंड कितने की बेचकर आपको कितना प्रॉफिट होगा। सो आप बस छोटा सा एक काम कर सकते हो मेरी मेहनत को सफल करने के लिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं वीडियो की शुरुआत में ही, क्योंकि चीजों को बताना समझाना बहुत जरूरी होता है। मैं किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकता, स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो मुझे भी पता है बड़े वीडियोज, लंबे वीडियोज नहीं देखते हो आप लोग, बट फिर भी अगर मैं बनाता हूं तो मैं यही सोचकर बनाता हूं किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं छोटे वीडियोस में बना सकता हूं, आधी चीजें काट दूं, आधी चीजें बताऊं, आधी रहने दूं, और ये सोचूं कि वीडियो छोटा बनाऊंगा तो ज्यादा लंबा चलेगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को अच्छी रेवेन्यू हो जाएगा। नहीं भाई, मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए, इसलिए अगर वीडियो लंबा होता तो आप प्लीज या तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लो, या फिर आप थोड़ा सा टाइम निकालकर बैठो आराम के साथ में, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बिजनेस करना है तो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें देखते हो, बट अपने नॉलेज के इजाफे के लिए या कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम प्लीज मुझे दे दो, बाकी आप सारी चीजें समझ जाओगे। फटाफट आपको ये सब दिखाता हूं कि ये एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, यहां पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मॉर्निंग के सिरप से आप कैसे एक बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही टेस्टी मॉकटेल्स कैसे बना सकते हैं, क्रशर्स कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा KFC, मैकडॉनल्ड्स, इसके अलावा बड़े बड़े किसी भी रेस्टोरेंट चेन में चले जाइए, आपको ये सिरप की बोतल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं ना फ्लाइट लेने के लिए, तो आप कभी भी देखना एयरपोर्ट में जो छोटे छोटे कियोस्क होते हैं ना, काउंटर्स होते हैं ना, उनमें आप जाना जो ड्रिंक्स के या बेवरेजेस के होंगे, आपको ये सिरप देखने को मिलेगा। इस नाम को आप बड़े ध्यान से देख लो, मॉर्निंग, ये एक नंबर का फ्लेवर है। मैंने बहुत सारे फ्लेवर ट्राई करे, मैं आपको इनफैक्ट बताने भी वाला हूं कौन कौन से इनके सब्स्टिट्यूट है जो आप ले सकते हो।
इस बॉटल का प्राइस भी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको पता चलेगा, डिटेल्ड वीडियो है, बस देखते रहना। ये है मनामा का फ्रूट प्यूरी या फ्रूट क्रश कहते हैं कुछ लोग, ये है आपका मॉनिन का फ्रूट प्यूरी या फिर आप इसको फ्रूट क्रश भी कह सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा है, इससे भी आपको पता चलेगा कैसे शेक्स बनाने। ये आ गया ब्लू करोसे, ये बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है। इसके अलावा मॉनिन में हर तरीके का फ्लेवर है, आपको अगर आप गूगल पे चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, इतनी वाइड रेंज है ना सिरप्स की, आपके दिमाग में कोई भी फ्रूट आता है चाहे वो कॉटन कैंडी हो, मतलब फ्रूट नहीं या कोई भी फ्लेवर्स होते हैं, वो सारे फ्लेवर आपको मॉर्निंग के सिरप्स में मिल जाएंगे। ये है मॉर्निंग का फ्रैपे पाउडर, ये यूज किया जाता है शेक्स को थिक करने के लिए एंड शेक्स के टेस्ट को एनहांस करने के लिए। इसके सब्स्टिट्यूट में आप यूज कर सकते हैं वेनिला प्रीमिक्स, जो कि सॉफ्टी प्रीमिक्स होता है, उससे आपका जो शेक है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, बट हाँ क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि कहां पर ये 650 रुपीज का ये 1 kg का पैकेट है और वो पैकेट आपको मिल जाएगा 150 या 160 का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं वेरिएशन बहुत है। बट हाँ जो सॉफ्टी प्रीमिक्स होता है वो भी आपके शेक को थिक कर देगा एंड टेस्ट को भी एनहांस करता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। ये मॉर्निंग के कुछ पंप है, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं इसमें क्या लिखा है। देखो ये 5 ml का पंप है, ये पंप आप देख लो, अभी मैं इस बॉटल में लगाऊंगा, और ये मॉर्निंग का पंप है 10 ml का। सो ये 5 ml का, 10 ml का, 15 ml का, 20 ml का और 30 ml का, इस तरीके से पंप आते हैं। इनफैक्ट दोस्तों ये प्यूरी वाली बॉटल के लिए भी पंप आता है, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। एंड बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, वो पंप को यूज करते हैं, वरना आप इस ढक्कन को खोल के इसकी सील को ओपन कर लेंगे, और उसके बाद मैं ओपन कर देता हूं, ये देख लो, देख रहे हो भाई फ्लेवर देखो, पूरा स्ट्रॉबेरी, इतना गजब का गाढ़ा टेस्टी फ्लेवर होता ना भाई, क्या बताऊं मैं। इसको कर देते हैं बंद, और यहां से इसको करने के बाद मैं इस प्यूरी को निकाल सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया यहां पर एक ब्लेंडर, आइस क्यूब्स मेरे अभी फ्रिज में है, वो मैं निकाल लूंगा, और ये कुछ मेजरिंग कप्स हैं जो कि मैं दूध को मेजर करने के लिए मैंने ये लिया है। ये 125 ml का है, ये 100 ml का है। सो इस तरीके से आप कुछ भी अपने शॉप में रख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इस तरीके की बॉटल में भी आप दूध रख सकते हैं और उसके ऊपर पंप लगा सकते हैं 30 ml का, तो अपने हिसाब से पंप को आप पुश करने के बाद वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ है, आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मैं ब्लेंडर यूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप इस तरीके के शेकर में भी शेक को बना सकते हैं इन प्यूरी को, इन फ्रूट क्रशर्स को यूज करने के बाद, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आप फटाफट मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं कि क्या आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं स्ट्रॉबेरी शेक। अब बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो किस मेजरमेंट में बनाते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। तो सबसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यूज करते हैं ये मॉर्निंग की जो भी फ्रूट प्यूरीज आती हैं। अब ये मैंने स्ट्रॉबेरी का लिया, इसके अलावा आपको ब्लैक करंट, इसके अलावा ग्वावा, इसके अलावा सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सबकी प्यूरी आपको मिल जाएगी, जो आप अलग अलग शेक्स के लिए यूज कर सकते हैं। और ये फ्रैपे पाउडर है वेनिला का, जो कि एक बेस है, ये हर शेक में डलेगा। सो आपको बस ये दो इंग्रेडिएंट को यूज करके सिर्फ 2 मिनट में आप शेक बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिल्क डालना है। तो ये मेरे पास 100 ml का है मेजरिंग कप, आपको 180 ml के आसपास मिल्क डालना होगा। तो ये 180 to 200 ml के आसपास हमने ले लिया है मिल्क। अब यहां पर मैं लूंगा स्ट्रॉबेरी प्यूरी, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं, ये हमें चाहिए 30 ml के आसपास। ये आ गई स्ट्रॉबेरी प्यूरी, 30 ml स्ट्रॉबेरी प्यूरी डालने के बाद हमें चाहिए फ्रैपे पाउडर। अब फ्रैपे पाउडर भी हमें अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम के आसपास चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये प्यूरी यूज नहीं करना चाहते, सो आप यूज कर सकते हैं ये मनामा की या मैप्रो की या माला की, तीनों कंपनीज ये फ्रूट प्यूरीज बनाती हैं, फ्रूट क्रशेस बनाती हैं। सो ये मेरे पास ब्लैक करंट है, सेम वही चीज करनी है आपको, जो मैंने 30 ml स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाली है आपको ये मनामा की डालनी है। अब प्राइस में वेरिएशन देखना, ये 1225 की बॉटल है 1 लीटर की, और ये बॉटल है 320 रुपए की। एंड जिस टाइम पे मेरा बिजनेस हुआ करता था शेक्स, स्मूदीज, मॉकटेल्स एंड इन सब चीजों का, तो ये उस टाइम पे आती थी 280 की, और आज ये 320 की हो गई है। और इससे पहले और भी सस्ती मैंने 260 की भी खरीदी है, बट धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, तो आज के डेट में ये 320 की मुझे पड़ी है। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी इनमें से फ्लेवर को यूज करता है तो मुझे बताना कि आपको कितने का पड़ता है। हो सकता है मुझे कॉस्टली पड़ा हो या आप लोगों को कॉस्टली पड़ रहा हो, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो किसी का भला हो जाएगा उस कमेंट्स को पढ़ने के बाद, तो कोई भी ज्यादा ओवरचार्ज नहीं देगा इन सारी चीजों का। सो ये मेरे को 320 की पड़ी है 1 लीटर की। अब मैं जब लास्ट में कॉस्टिंग बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि शेक बनाने में आपको कितना फायदा होने वाला है। अब हमने इसमें ऐड किया सिर्फ प्योरी 30 ml एंड 30 ग्राम हमने ऐड किया है ये फ्रैपे पाउडर। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें 2 ice cubes
अब अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इस शेकर में डाल के इसको अगर अच्छे तरीके से शेक करते आपका ये शेक रेडी हो जाता, बट मेरे पास फिलहाल ब्लेंडर है और मैं उम्मीद करता हूं आप भी ब्लेंडर यूज कर लेंगे। अब हमने इसमें फ्रैपे पाउडर डाला है और स्ट्रॉबेरी ये क्रश डाला है, तो थोड़ी सी देर इसको ब्लेंड जरूर करिएगा ताकि ना जो इसका प्रॉपर टेस्ट है और जो प्रॉपर ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाए। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी हो गया। सिंपल सा फंडा है भाई, आप बड़े आराम के साथ में इसको बना सकते हो, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एंड सेम प्रोसेस है, आप कोई भी शेक बनाना चाहते हो ना, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो ब्लैक करंट हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो कीवी हो, बहुत सारे फ्रूट प्यूरीज आती हैं, आप बना सकते हो। अब इसको हमें सर्व करने के लिए सिंपल सी बात है, आप चाहो तो थोड़ी सी प्यूरी इसमें ग्लास में आप डाल लो और उसके बाद हम इसको स्ट्रॉबेरी शेक को इसमें डाल देंगे। अब थिकनेस देख लो भाई, आप ये ग्लास जो है ये 300 ml का है, मैंने बनाया है एक्चुअल में 250 ml, बट आइस क्यूब डालने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर आप क्रश्ड आइस यूज करते हैं तो भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब ये शेक बनकर रेडी हो चुका है, आप देख लो भाई इसकी क्वालिटी। एंड एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरे को सिप लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में आपको सिप लेकर जेन्युइन रिव्यूज देता ही हूं, बट मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार अपने घर पर खुद बनाकर इसको चेक करो। अब मेरे को रहा नहीं जा रहा, मैं एक बार इसके सिप ले लेता हूं। एंड थिकनेस बहुत अच्छी आ रही है शेक की भाई, ओ माय गॉड। एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आपने शुगर ऐड नहीं करी, शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और ये शेक आपका कितने का बनकर रेडी होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं मॉकटेल्स की, तो इसको मैं करता हूं साइड में एंड मॉकटेल्स की दोनों बॉटल रखता हूं। तो ये है भाई सिरप्स, अब इनका मैं ढक्कन ओपन करता हूं और इसमें मैं ऐड करता हूं पंप। ये जो पंप मैंने आपको दिखाए थे, ये पंप इसलिए लेने होते हैं आपको क्योंकि ना बार बार आप मेजरिंग कप में नहीं कर सकते, सो आप ये पंप यूज करो, ये 10 ml का पंप है। तो ये पंप आपका रेडी हो चुका है, इसको हल्का सा हम इधर को घुमाएंगे ओपन हो जाएगा। तो ये 10 ml का पंप मैंने लगा दिया है, अब मैं लगा देता हूं ये 5 ml का पंप। आपको बस इस पंप को निकालना है, स्ट्रॉ को इसमें डालना है, इस ढक्कन को खोलना है, इस बॉटल को ओपन करना है और उसके बाद आपको ये पंप इसमें लगा देना है। सिंपली आपको प्रेस करना है बस इसको, और इसको आप जब यूं करके घुमाएंगे इस तरफ को तो ये आपका पंप ओपन हो जाएगा। सो ये 5 ml का पंप है और ये 10 ml का पंप है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, अगर आप फ्रैपे पाउडर भी यूज नहीं करना चाहते और आप स्ट्रॉबेरी प्रीमिक्स भी यूज नहीं करना चाहते तो आप आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, आप वेनिला की आइसक्रीम यूज कर सकते हो हर तरीके के शेक में। और अगर आप स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हो और आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। चॉकलेट शेक के लिए अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम मिल रही है, छोटे वाले जो कप्स आते हैं 20-20 रुपए वाले, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फ्रैपे पाउडर यूज कर सकते हो, आगे आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूं। अब एक चीज यहां पर मैं बताता हूं, मॉकटेल्स बनाने के लिए आपको चाहिए ये सिरप बॉटल्स विद पंप और आपको चाहिए स्प्राइट और एक ग्लास। इसके अलावा देखो गार्निश करने के लिए या अपने मॉकटेल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप लेमन की जो स्लाइस होती है वो यूज कर सकते हो, लेमन विंग्स यूज कर सकते हो या फिर आप पुदीने के पत्ते यूज कर सकते हो, वो डिफरेंट चीज है। अब यहां पर बनाना बहुत ज्यादा आसान है, आपको क्या करना है, कस्टमर का ऑर्डर आया भैया मुझे ब्लू ये चाहिए या वाटरमेलन मॉकटेल चाहिए या ब्लू करोसे मॉकटेल चाहिए, सो मैं आपको ब्लू बनाकर दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको स्प्राइट ओपन करनी है और स्प्राइट ओपन करने के बाद आपको उसको ग्लास में डालना है। अब ये 300 ml है, अगर आप मॉकटेल 200 ml सर्व करते हैं तो आपका प्राइस कम हो जाएगा इसका। आपने ये स्प्राइट ऐड कर दी, स्प्राइट ऐड करने के बाद आपको बस इसमें 30 ml के आसपास ये पंप 2.5, तो ये आपका ब्लू कलर से मॉकटेल रेडी हो चुका है। आप इसमें लेमन या फिर आप पुदीने के पत्ते डालकर गार्निश कर उसको दे सकते हैं। एंड आप इसको पास से देख लो भाई, ये आपका ब्लू लैगून बन चुका है। बहुत सारे लोग इसको ऊपर आइसक्रीम डालने के बाद फ्लोट कह देते हैं ब्लू कलर से, या आइस एज फ्लोट, जब आइस एज मूवी आई थी तो उस टाइम पे चला था, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। और जबरदस्त टेस्ट है इसका, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसी कलर में आती है कॉटन कैंडी, मॉर्निंग का ही सिरप आपको मिल जाएगा कॉटन कैंडी में, वो भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इसका भी बनाकर दिखा देता हूं, इसको करता हूं साइड में। आपने देख लिया ब्लू करोसे आपका बन गया मॉकटेल, ठीक है, या ब्लू मॉकटेल कुछ लोग कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। अब आपको मैं वाटरमेलन बना के देता हूं।
तो दोस्तों वाटरमेलन मॉकटेल बनाने के लिए चाहिए आपको वाटरमेलन का सिरप, इस तरह का कोई भी कप या ग्लास जिसमें आप इसको सर्व करना चाहते हैं, और एक स्प्राइट की बोतल। आप सोडे में अगर बनाते हो तो फिर आपको शुगर सिरप यूज करना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड जितने भी मॉकटेल आप बनाते हैं उसमें आप लेमन एंड पुदीना के लीव्स को यूज जरूर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लेमन यूज नहीं करना चाहते तो आप लेमन जूस जरूर यूज करो, बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने अभी फिलहाल नहीं डाला है बट मैं आपको बता दे रहा हूं आपको वो डालना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्प्राइट डालनी है, पहले आपको सिरप नहीं डालना है। स्प्राइट डालने के बाद ये आपने स्प्राइट ऐड कर दी, उसके बाद आपको मैं बस दिखा रहा हूं, ये 5 ml का पंप है, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 3, तो मैं 15 ml यूज कर रहा हूं आपको बस दिखाने के लिए। वैसे आप 30 ml डालेंगे या 20 ml डालेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर मैं इसको, अभी मैंने 15 ml डाला है, मैं एक और पंप डालता हूं, ये 20 ml सिरप हो चुका है। तो आप देख लो इस तरीके से ये आपका वाटरमेलन बन चुका है मॉकटेल। इसको मैं थोड़ा सा टॉप अप कर देता हूं आइस क्यूब से। आइडियली आपको ये आइस क्यूब पहले डालनी है और उसके बाद फिर आपको स्प्राइट डालनी है, और उसके बाद आपको डालना है इसमें आपका जो स्प्राइट से, इसको टॉप अप कर देता हूं। बस ये दो इंग्रेडिएंट हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि फ्लेवर थोड़ा सा कम है तो आप डाल सकते हैं। मैंने 20 ml डाला, आइडली आप 30, मुझे 30 ml पसंद आता है क्योंकि स्ट्रांग फ्लेवर बन जाता है। मैं फिर भी 25 ml कर देता हूं, और उसके बाद ये आपका ड्रिंक रेडी हो चुका है भाई। तो ये आप देख लो भाई, ये वाटरमेलन मॉकटेल आपका रेडी है। वाओ, एग्जैक्टली वाटरमेलन का फ्लेवर है। ऐसा नहीं है कि आप इसका सिरप यूज कर रहे हो, बना रहे हैं कोई ड्रिंक और टेस्ट कोई और ड्रिंक आ रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सिप में मजा आ गया भाई। अगर आप इनके नहीं लेना चाहते सो आपको माला के मिल जाएंगे, मनामा के मिल जाएंगे, मैप्रो के मिल जाएंगे, ये कंपनीज भी सिरप्स बनाती हैं। इसके अलावा आपको मरीम बुल्ला का मिल जाएगा, आपको दा विंची का मिल जाएगा, इसके अलावा आपको SWA का मिल जाएगा, इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आप किसी भी कंपनी का कंसीडर कर सकते हैं भाई। अब इनसे बनाने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लो आप किस लोकेशन पे हो, वहां पर आपको कितना चार्ज आप अपने कस्टमर से करने वाले हैं, उस चीज को ध्यान में रखने के बाद आप इसको फाइनली खरीदें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ के मैं आपको कॉस्टिंग बताऊं कि आपका एक शेक कितने का बनकर तैयार होगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं ये कितने का मिला था। बीच बीच में मैंने कुछ चीजें बताई हैं बट मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूं। देखो ये जो मॉर्निंग की एक सिरप की बोतल है 1000 ml वाली, ये मेरे को पड़ी है 800 रुपए की। ये 1 लीटर वाली है, इसमें 750 ml की भी आती है, 350 ml की भी आती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना है। 1 लीटर वाली मैंने ली है 800 रुपीज की, तो ये भी सेम 800 रुपीज की मैंने ली है 1 लीटर वाली। ये जो फ्रैपे पाउडर है ये मेरे को पड़ा है 650 का। ये जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी है ये मैंने ली है 1225 रुपए की। और ये जो है ब्लैक करंट की मनामा की प्यूरी, ये मेरे को पड़ी है 320 रुपए की। अब इससे आप अंदाजा लगा लो, अगर आप इनमें से कोई फ्लेवर यूज करते हैं, चाहे मनामा का चाहे मैप्रो का, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप कितने का ले रहे हैं। अब अगर बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो जो मैंने शेक बनाए थे ये 300 ml का है मॉकटेल, 300 ml का ग्लास है ये, और जो मैंने शेक बनाया था वो भी 300 ml का ग्लास था। तो मैं 300 ml की कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन। आप अगर 250 ml सर्व करते हो तो वो कॉस्टिंग आपकी और कम हो जाएगी। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी शेक की, तो स्ट्रॉबेरी शेक की जो टोटल कॉस्टिंग आएगी आपको मेकिंग में, जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी आप यूज करोगे 30 ml, वो आ जाएगी 35 rupees अप्रॉक्स के आसपास। जो फ्रैपे पाउडर आपने यूज किया ये वाला 30 grams, वो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 20 rupees। अब इसके बदले में आप 20 रुपए की आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं, और रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है भाई। तो मैं आपको कहूंगा अगर फ्रैपे पाउडर आपको नहीं चाहिए मत लो, सॉफ्टी प्रीमिक्स नहीं डालना चाहते मत डालो, आप आइसक्रीम डालो, वेनिला आइसक्रीम डालो, शेक और ठंडा हो जाएगा और थिकनेस भी बढ़ जाएगी एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस अगर करूं तो मैं आपको कहूंगा आप आइसक्रीम डालो, वेनिला की आइसक्रीम रखो आप। अगर आप बड़ा, आपके पास डीप फ्रीजर है या फ्रिज है या किसी तरीके से आप रख सकते हो, तो आप बड़े वाले गैलन्स रखो, उसमें आपकी कॉस्टिंग भी सस्ती आएगी, वो 10 रुपए में पड़ेगी आपको। तो इसके अलावा जो 180 ml हमने चिल्ड मिल्क यूज किया था उसकी प्राइस हो गई 12 रुपए के आसपास अप्रॉक्स। सो टोटल कॉस्ट आपकी एक 300 ml शेक को बनाने में आएगी 67 रुपीज। बिल्कुल ध्यान से सुनना, 67 रुपीज में आपको ये बनकर तैयार होगा। अगर आप 100 में बेचते हो या आप 120 का बेचते हो मान लो, सो 67 रुपीज का आपको मेकिंग आ रही है और 120 का आप बेच रहे हो, तो 53 रुपीज आपको एक शेक में बचेंगे। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉर्निंग की प्यूरी के बदले में ये वाली प्यूरी यूज करते हो जो कि है मनामा की, सो मनामा की प्यूरी यूज करने के बाद आपका जो प्यूरी होगा उसकी कॉस्ट आ जाएगी 9 रुपए। जो 35 रुपए लग रहा है ना आपका यहाँ पर मॉर्निंग में, अगर आप मनामा का यूज करते हो तो 9 रुपए का आपका प्यूरी आएगा, जो हमने 30 ml प्यूरी यूज किया था।
फ्रैपे पाउडर आपका 20 रुपीज का, अगेन सेम वहां भी 20 यहां भी 20 का आएगा। इसके बदले में आप चाहो तो सॉफ्टी प्रीमिक्स या फिर आइसक्रीम, अगर आप सॉफ्टी प्रीमिक्स यूज कर लेते हो, मैंने आपको ये भी बताया था, मैं सस्ता भी बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। अब ये 67 का पड़ रहा है हाई एंड इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के बाद, और अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर है जो इतना महंगा नहीं बेच सकते, 100 रुपए का 120 रुपए का शेक नहीं बेच सकते, 70 रुपए का बेचना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप फ्रैपे पाउडर भी यूज मत करो, आप आइसक्रीम भी यूज मत करो, आप यूज करो वेनिला प्रीमिक्स सॉफ्टी वाला, तो वो आपको कॉस्ट आएगा 5 रुपए का। 180 ml चिल्ड मिल्क आप यूज करोगे वो आ जाएगा 12 रुपए का। सो टोटल कॉस्ट मनामा का अगर आप क्रश यूज करते हैं सो वो 41 रुपीज आ जाएगा। अगर आप फ्रैपे पाउडर भी नहीं डालते हैं तो वो आपको पड़ेगा 26 रुपए का। एक शेक बनकर आपका 26 रुपए में तैयार हो जाएगा, जिसको आप 70, 80, 100 जितने का बेच सकते हो बेचते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप 41 का बनाकर 100 का भी बेचते हो तो 59 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर आप 100 का बना मतलब 26 का बनाकर 100 में बेचते हो, एक शेक में आपको 74 रुपीज बचेंगे। सो आप देख लो, आपको मेहनत भी कुछ नहीं करनी, 2 मिनट के अंदर आपका शेक बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको प्यूरी डालनी है, फ्रैपे वाटर डालना है, आइस क्यूब्स डालने हैं, चिल्ड मिल्क डालना है, ब्लेंड करना है और सर्व सिंपल है। अगर हम बात करें मॉकटेल्स की, ये जो मॉकटेल्स मैंने बनाए थे, अब इनको सामने देखकर बहुत पीने का मन कर रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको खत्म करते हैं वीडियो को। सो मॉकटेल की अगर बात करो तो 800 रुपए की सिरप की बॉटल हो गई, तो यहां पर जो आप मॉर्निंग का सिरप यूज कर रहे हैं 25-30 ml या 20 ml, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना स्ट्रांग पसंद आ रहा है और आपके कस्टमर को कितना स्ट्रांग पसंद आ रहा है। बहुत सारे कैफेज ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कैफेज होते हैं ना, छोटे छोटे जो गलियों में खुले होते हैं, उनका कभी आप ये ऐसा वाटरमेलन मॉकटेल देखना या अभी ब्लू कलर से मॉकटेल देखना, बहुत लाइट कलर होगा भाई, 10 ml यूज करते हैं वो, 10 ml सिरप डालेंगे, और सिरप भी वो मॉर्निंग का यूज नहीं करते, बहुत थर्ड क्वालिटी के सिरप आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 250-250 रुपए से 1 लीटर सिरप की बॉटल्स आपको मिल जाएंगे, जो सिर्फ चीनी होती हैं, सर्दियों में वो जम जाते हैं, बट ये ऐसा सिरप है जो सर्दियों में भी नहीं जमता। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं और मैंने कभी यूज नहीं किया इसलिए बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने यूज किया है, सर्दियों में भी मेरे कैफे में ये जमता नहीं था सिरप, और मैंने सस्ता भी लेकर आया था मैं, लेकिन वो जम गया, मैंने उसको फेंका था। तो मैं नहीं चाहता आपके 250-300 रुपए बर्बाद हो और आप फेंको किसी सिरप को, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी का यूज करो, मैं आपको हमेशा कहता हूं क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप रिपीट कस्टमर बना पाएंगे, तो इसीलिए मॉर्निंग का यूज कर सकते हो आप। सो मॉर्निंग का अगर आप यूज करते हो तो 23 रुपए के आसपास का सिरप आप यूज करेंगे एक मॉकटेल को बनाने में, 17-18 रुपए की आपकी स्प्राइट की बॉटल आएगी, और टोटल जो कॉस्ट आएगी वो एक मॉकटेल की बनने में 40 रुपीज आएगी। सो आप देख लो, अगर आपको लगता है कि ये कॉस्टली है तो फिर आप मॉर्निंग के सिरप्स को रिप्लेस कर सकते हैं मरीम बुल्ला से या दाविंची से, इनके भी अच्छे होते हैं, 500-550 के रेंज में आपको मिल जाएंगे, इससे नीचे मत जाना, इसके नीचे के जो होते हैं वो बेकार होते हैं, वो सिर्फ चीनी होते हैं। एक चीज यहां पर आपको बता दूं प्रो टिप, ये तो मैंने लिख के रखी थी कॉस्टिंग ताकि मैं आपको सही से बता पाऊं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जो मैंने स्प्राइट की बॉटल यूज करी थी ना 20 रुपीज की रिटेल वाली, वो अगर आप होलसेल में खरीदते तो 17 रुपए कुछ पैसे की या 18 रुपए की पड़ेगी आपको, या अगर आप जो आपकी डिस्पेंसिंग वाली मशीन होती है कोक डिस्पेंसिंग या कोक फेंटा स्प्राइट जो भी डिस्पेंसिंग वाली जो मशीन आती है, सोडा मशीन जिसको कुछ लोग बोलते हैं, तो अगर आप वो लगवा लेते तो आपको ये जो है ना ये आपको 18-19 रुपए का बनकर तैयार हो जाएगा, उससे भी कम में हो जाएगा, क्योंकि आपकी 6-6.5 रुपए की स्प्राइट आ जाएगी उसमें से और 13 रुपए का आपका मॉकटेल आ जाएगा। तो इस हिसाब से, और वो भी 30 ml अगर आप डाल रहे हो सिरप, तब अगर आप 20 ml डाल रहे हो तो कॉस्टिंग और कम आ जाएगी, 14-15 रुपए में आपका मॉकटेल बनकर तैयार हो जाएगा। So, इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो एंड वो टेस्ट दे सकते हो जो बड़ी कंपनीज दे रही हैं, और आराम के साथ में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगेन बता रहा हूं, शेक्स और मॉकटेल्स की बात हो गई, अगर आप क्रशर बनाना चाहते हो सेम प्रोसेस होता है, क्रश डाइस को यूज कर यही सिरप्स को यूज कर आप बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप और किसी बिजनेस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। अपने कुछ सब्सक्राइबर से माफी मांगना चाहता हूं जिन्होंने बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे थे ये शेक्स एंड मॉकटेल्स की वीडियो के लिए। मैं एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ रेसिपीज को क्रैक करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत रिस्की होता है एंड मेरे पास बहुत सारे लीगल नोटिस भी आते रहते हैं, बट मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एटलीस्ट अगर वीडियो को लाइक नहीं कर सकते या वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते, आप मत करो, बट अपने बिजनेस के लिए एक स्टेप ले लो, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। एंड स्टेप लेने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि हमने आपकी वो वीडियो देखकर उस बिजनेस को शुरू करा, और मेरे पास ऐसे जब कमेंट्स आते हैं मेरे को बहुत खुशी होती है। अब आपने ये जो सिरप देख लिया ना मॉर्निंग का, आपके दिमाग में इस नाम को फीड कर लो, आप जब भी कहीं जाते हो ना, आप अभी मत खरीदो, अभी मत इसको यूज करो अगर आप नहीं करना चाहते, बट आप ना ऑब्जर्व करना शुरू करना, अभी आप जब मैकडोनल्ड्स जाओ या KFC जाओ, मॉकटेल्स बन रहा हो जब आपके सामने, या किसी आप कियोस्क में जाते हैं या किसी कैफे में जाते हैं, तो वहां पर देखो वो कौन से सिरप यूज करते हैं, आपको अंदाजा मिलने लग जाएगा कि क्या क्वालिटी आप पी रहे हैं। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।